देखिए निरंतर मेरे पास चौकीदार संघ के लोग और चौकीदार लोग फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अभी जो उनको नियमितीकरण करने का पेपर में छपा है करके फर्जी फेक न्यूज़ जो फेसबुक व्हाट्सएपों में चलाया गया है हाँ। उसके माध्यम से जिले भर में सबको भ्रमित किया गया है। जरा सर ये न्यूज़ गलत है। अभी तक कोई ऐसी आदेश या किसी प्रकार के कोई मध्य प्रदेश शासन से परिपत्र जारी नहीं हुए। कितने लोग आपको फ़ोन किए, कितने लोग आपके पास आए हैं? देखिए अभी तो 6-7-8 चौकीदार लोग अभी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। निरंतर शाम सुबह बीच बीच में एक दो दो लोगों के चौकीदारों के फ़ोन आते हैं। कई लोगों ने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनवा के सब लेके आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पेपर में फर्जी न्यूज़ में कि 450 रुपये दस्तावेज का इसमें शुल्क जमा करना है करके, तो इसमें सब भ्रमित होकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पर मैं इस न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ सभी चौकीदार संघ के लोगों को कि जब कभी भी ऐसा कोई आदेश जब जारी होगा तो मध्य प्रदेश शासन का परिपत्र जारी होंगे और तहसीलदार RI पटवारियों के माध्यम से जानकारियाँ मिलेंगी, उस हिसाब से सबको नियमितीकरण का जो भी आदेश होगा तो लिया जाएगा उसमें। अन्यथा ये इस प्रकार से भ्रमित न हो, किसी को भी अन्यथा पैसा या यहाँ वहाँ जाकर भटकना, डीजल पानी खर्च करना ये एक परेशानी है, इससे बचें। ये बहुत दूर तक कर लिया गया। चल चल न्यूज़ आज बना के डाल दीजिए, मेरे को भेज दीजिए। क्या नाम है आपका? हरदेन सिंह प्रस्त। किस गांव से आए हैं आप? ग्राम पिपरिया। हाँ, ये क्या आप क्या पेपर लेके आए हैं? किस चीज़ की नौकरी मांगने के लिए आए थे आप जिला पंचायत? चौकीदारों को नियमित करने वाले हैं क्या? चौकीदार हाँ, तो आवेदन जमा करने आए थे? आवेदन जमा करने आए। किस चीज़ का आवेदन जमा करने आए थे? चौकीदार। चौकीदार का तो पेपर का कटिंग कहाँ से मिला है आपको? बाट साहब से। तो ये सही खबर है कि गलत खबर है? सर सही है, हम आए हैं। तो क्या पता चला आपको यहाँ पर, क्या पता चला जिला पंचायत आके? जिला झूठा है। झूठा है तो किसी को पैसे से तो नहीं दिए हो? नहीं दिए। हाँ, अब आगे दोगे पैसा कि नहीं दोगे? नहीं देंगे सर।